सीखेंगे, ठीक है? ये साइन है, ये साइन क्या है? एडिशन का साइन, ठीक है? इस साइन को क्या कहते हैं? एडिशन का सैंपल, सैंपल भी कह सकते हैं, साइन भी कह सकते हैं। हम जहां पर भी लाइफ में किसी भी चीज में हम जब ये साइन देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि किसी भी जो वैल्यूज दी हुई है या कोई भी चीज दी हुई है उसको एक साथ करना, उसको जमा करना। जमा करना किसी भी चीज को क्या कहलाता है? एडिशन। किसी भी चीज को जमा करना क्या कहलाता है? एडिशन। एक एग्जांपल है, आपके पास सपोज है आपके पास 5 रुपए, ठीक है, और आपको किसी ने 10 रुपए और दे दिए, ठीक है, तो 5 रुपए और 10 रुपए इन सबको आप क्या कर दोगे? मिला दोगे, जमा कर दोगे, तो कितने हो जाएंगे? 10 में 5 प्लस करें कितने हो जाते हैं? 15, ठीक है। तो अब जब आपने इसको दोनों को ऐड किया है तो इसे कहते हैं एडिशन, और जो आंसर आया है एडिशन के बाद जो आंसर आता है उसको कहते हैं सम। क्या कहते हैं? एडिशन को जो आंसर आता है उसको कहते हैं सम। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं, दो चार एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें कैरी लेना भी सीखना है या टू डिजिट पहले करेंगे, मतलब टेंस की वैल्यू के साथ करेंगे, मंथ और टेंस की वैल्यू का करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 100 और 1000 का करेंगे। वन से हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू है? 7, और यहाँ 2। टेंस की वैल्यू है 5 और 6, ठीक है। इस वैल्यू को हम पढ़ते हैं, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? 57। क्या वैल्यू है? 57। दूसरी वैल्यू है 62। 5 कहाँ लाया गया है? टेंस में, कि 57 है, 50 कहाँ आएगा? टेंस में। 7 सिंगल नंबर है और हम सबको पता है ये बात पहले हो चुकी है, प्लेस वैल्यू का जब टॉपिक था तो मैं ये समझा चुकी हूँ, जब भी दो वैल्यूज होगी तो राइट साइड वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा वंस में होगी और लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू होगी वो टेंस में होगी। इसी तरह ये क्या है? 57 और ये 62। वंस की वंस के साथ हम ऐड करेंगे और फिर टेंस को टेंस के साथ ऐड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 में 2 प्लस करते हैं। 7 को 2 के साथ क्या है? एडिशन में हमने क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। 7 में 2 क्या हो जाता है? 9। इसी तरह ये तो हो गया वंस की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं टेंस की। ये क्या है? 5 और 6। 5 और 6 कितने हो जाते हैं? 5 और 6 ऐड करें, 5 और 6 ऐड करते हैं क्या हो जाते हैं? 11, ठीक है। टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 11, जिसमें से 1 टेंस का है और 1 100 का है, वो हम बाद में आगे डिटेल में जाएंगे, बस इतना अभी देखते हैं। 5 और 6 को हमने प्लस करते हैं क्या आ गया? 11। तो आंसर हमारे पास क्या आया? 119, ठीक है। इन दोनों को हमने प्लस किया, क्या आंसर आया? 119। तो छोटी वैल्यूज को तो हम ऐसे ही प्लस कर सकते जैसे 2 में 3 प्लस कर दिया तो 5 हो गई, ये तो हम हाथ में कर सकते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यू जब आ जाती है तो हम उसे हाथ पे ऐड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर है 57 में 62 ऐड करना है, तो ये बड़ी वैल्यू हो गई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको इस तरह से एडिशन के मेथड से इसको ऐड करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 वंस का है और 6 भी वंस का है। 10 में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू, ठीक है। 6 में 2 प्लस किया, क्या आ गया? 6 7 8, क्या आ गया? 8। अब 2 में नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो 2 का क्या आ जाएगा? 2। ये तो हमारे पास एक सिंपल सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैरी देना सीखेंगे, हम किस तरह एडिशन में कैरी देते हैं। आते हैं यहाँ पर 4, यहाँ पे क्या है? 34। दूसरी वैल्यू क्या है?
देखा